का मंगलो नमस्कार। आम तौर पे अधिकांश लोग ये कहते मिलते हैं, जी हम तो किसी का बुरा नहीं करते। देखिए जन साधारण में बुरा का कई कहते व्यापक अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक कैटेगरी बनती है जिसका भावार्थ ये कि अगर हमारी नीयत में किसी प्रकार का भी बदनीयति हो जाए या अहंकार की मात्रा बहुत बढ़ जाए, तो उसके इन दोनों के तहत जो कार्य हम करते हैं और उससे सामने वाले को ठेस पहुंचती है, वो मानसिक संतापित होता है, दुखी होता है, तड़प पे खड़ा होता है, तो वो उसको बुरा कहा जाता है जनसाधारण। उदाहरण के लिए हम किसी को अहंकार अहंकार बस ये कहते हैं कि भाई मैं हूं तो तू है, मेरे कारण से तुम टिके हो, मैं जब तक चाहूंगा जब तक तुम टिके रहोगे, तो अहंकार है, उसको ठेस पहुंचती है, आपका अहंकार बोलता है। इसी प्रकार से क्या कहते हैं आपके क्या किसी के पैसे को, अगर आपका लेन देन में आप उसके पैसे को नियत समय पर न देकर और उसको कहते लटकाए चलते हो, और लटका जा अपनी कभी मजबूरी का बहाना, कभी आज देता हूँ कभी कल, मतलब कर करा के उसको मान लो 6 महीने उससे ऊपर लटका दिया, तो वो तड़प के खड़ा हो गया, आप उसके पैसे से खेल रहे हैं या आपकी नीयत पर खराबी है। तीसरी चीज आपका कलम की ताकत है, और आप चाहे कलर के हैं चाहे अफसर हैं, लेकिन उसको चक्कर कटवा रहे हैं, जिसके कारण से वो बेचारा कभी तो सिफारिश ला रहा है, हाथ जोड़ रहा है, झुक रहा है, सब कुछ है, कोई ना कोई दांव पेच उसको बताए चल रहे, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, क्योंकि वो तड़प चुका है, दुखी हो चुका है वो। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है कहाँ कुछ जाए करा कुछ जाए, हमारी नीयत कहाँ कहाँ डोल जाती है, किसी लेन देन में, किसी बात पे हम वादे से मुकर जाए, कुछ भी हो, ये सब चीज़ क्या कहते हैं बुरा ही बुरा है जी, और कुछ भी बात नहीं है। इसी प्रकार से बुरा में एक और भी आता है कि हम कई बार अपने घर के अंदर भी इसी तरह की एक्टिविटीज कर बैठते हैं, जिसमें कि क्या कि खास तौर पर स्त्रियों के साथ, जिससे कि साम चाहे वो स्त्री में कोई भी हो फिर ठीक है ना, जिससे कि उसको कहते हैं काफ़ी ज़्यादा चोट पहुँचती, मन को आहत होता है, तो वो भी बुरा ही है। इसीलिए बुरा की डेफिनेशन की कोई सीमा नहीं है, उदाहरण की भी कोई सीमा नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि आप किस तरह से कर रहे हैं।